नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। आज हम बात करेंगे महिंद्रा सुप्रोभान BA6 2020 मॉडल के बारे में, जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था और यह अभी सभी शोरूम में अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊँगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिंद्रा के अभी सभी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स रिकॉन इक्विपमेंट्स में आ चुका है। आप स्क्रीन पर एड्रेस को भी दे सकते हैं। यदि आप कटक उड़ीसा से हैं तो फिर आप इस शोरूम में आके गाड़ी को खरीद सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। महिंद्रा सुप्रोभान अभी 3 मॉडल्स में अवेलेबल है, LX, VX और ZX मॉडल। सभी वेरिएंट्स में इंजन सेम है। इसमें लगा गया है महिंद्रा का 2 सिलेंडर वाला डायरेक्ट इंजेक्शन BA6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 909 cc, जो कि मैक्सिमम 47 hp का पावर 3750 rpm तक और 100 Nm का टर्क 1600 से 3000 rpm तक प्रोड्यूस करता है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 19.59 km/l। यदि आप इसे सिटी में चलाते हैं तो फिर आपको 17 से 17.5 और हाईवे पर 18 से 19 km/l तक माइलेज मिलेगा। इस गाड़ी में आपको 2 इयर्स का वारंटी मिलता है 60,000 km तक। LX में आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है, VX में आपको पावर स्टीयरिंग और ZX में आपको पावर स्टीयरिंग के साथ AC मिलेगा। चलिए देखते हैं फ्रंट डिजाइन। तो सभी वेरिएंट्स में फ्रंट डिजाइन आपको सेम मिलता है। फ्रंट में आपको BA6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो BA Sport से BA6 में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसमें आपको वही महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलता है, उसके साथ महिंद्रा का क्रोम फिनिश में बैजिंग और इसका जो ओवरऑल फ्रंट डिजाइन है वो आपको कम्प्लीटली BA Sport जैसा ही देखने को मिलता है। फ्रंट बम्पर में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लाइट्स में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लाइट्स में वही आपको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टाइप हेडलैम्प, उसके साइड में मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेगा और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉग लैंप लगाने के लिए स्पेस मिलता है, मगर आपको इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं ओवरऑल साइडल व्यू की। तो दोस्तों ये है इसका ओवरऑल साइडल व्यू। महिंद्रा सुप्रोभान का और एक हाईलाइट पॉइंट है इसका फ्रंट नोज। कंपनी ने इसका आगे का हिस्सा को थोड़ा आगे कर दिया है, जो कि एक्सीडेंटल टाइम में ड्राइवर को ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है और इसके साइड में भी आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। टायर्स की बात करें, इसमें लगा गया है 13 इंच का टायर 8-ply रेटिंग के साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीएट टायर मिलता है और यहाँ पर आपको टायर साइज भी मेंशन किया गया है। सस्पेंशन में सामने MC% स्ट्रट और पीछे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है और पीछे भी दोस्तों आपको वही सीएट का टायर मिलता है 13 इंच का टायर्स 8-ply रेटिंग के साथ। इसके व्हील बेस से 1950 mm, ग्राउंड क्लियरेंस से 173 mm और इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 2020 kg। और दोस्तों ओवरऑल डायमेंशन को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह दोस्तों इसका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 33 लीटर। एक्सोरूम प्राइस दोस्तों आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। वेरिएंट के हिसाब से इसका एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 6,36,353 rupees से। और रियर डिजाइन की बात करें तो रियर में वही नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स और नीचे आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका स्टॉप लाइट। महिंद्रा सुप्रोभान का रियर डिजाइन में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसमें आपको वही महिंद्रा का सिग्नेचर लोगो, लेफ्ट साइड में महिंद्रा का ब्रांडिंग, राइट साइड में सुप्रो LX का क्रोम फिनिश में बैजिंग भी आपको इसमें देखने को मिलता है और आप इसका ओवरऑल रियर डिजाइन को देख सकते हैं। BS4 से BR6 में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर। डोर ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डुअल टोन कलर में इसका डोर्स और डोर बंद करने के लिए यहाँ पर आपको 2 हुक्स भी देखने को मिलता है। महिंद्रा सुप्रोभान LX में आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा, VX में पावर स्टीयरिंग और ZX में पावर स्टीयरिंग के साथ AC मिलता है। और दोस्तों आप इसका ओवरऑल हेडरूम को देख सकते हैं। इसके हेडरूम भी बहुत ही सफिशियंट है। यदि आपका हाइट 6 feet भी है तब भी आप इसमें बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेफ्टी के लिए दोनों साइड में आपको सेफ्टी हुक्स भी देखने को मिलेगा। महिंद्रा सुप्रोभान का बूट स्पेस भी बहुत ही अच्छा है और आप इसका स्पेयर टायर को देख सकते हैं रियर सीट के पीछे और इसका जो रियर सीट है वो आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। यदि आपको थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो फिर आप इसका रियर सीट को अनफोल्ड भी इजीली कर सकते हैं। सुप्रो मिनी वैन का जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है वो है 10, फ्रंट में 2, बीच में 3x3 के हिसाब से 6 और पीछे 2। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड रो। ये इसमें आपको दोस्तों स्लाइडिंग डोर्स मिलता है
और आप इसे इजीली स्लाइड भी कर सकते हैं। और गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको नीचे पुश्ते मिलता है। महिंद्रा ने सुप्रो का सीट का जो हाइट है थोड़ा इंक्रीज किया है, आप देख सकते हैं। स्पेयर टायर रखने के बाद भी आपको सफिशियंट स्पेस मिलता है। और यह है दोस्तों इसका दोनों साइड का सीट्स, जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिखने को मिलेगा। डुअल टोन कलर में होने के कारण सीट दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके साथ इसका सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका हेडरूम भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। लाइट के विजिबिलिटी के लिए इसमें आपको रीडिंग लाइट भी मिलता है और बच्चों का सेफ्टी के लिए इसमें आपको चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। और दोस्तों आप इसका ओवरऑल सीट को देख सकते हैं, इसमें आप 3x3 के हिसाब से पीछे 6 लोग कंफर्टेबली बिठा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका कोपायलट सीट। इसका कोपायलट सीट भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है और इसका जो लेग स्पेस है वो भी आपको बहुत ही अच्छा इसमें मिलता है। और इसका आप कोपायलट सीट को देख सकते हैं, इसमें आपको हेडरेस्ट मिलेगा। इसका जो कोपायलट साइड सीट है ये थोड़ा वाइड है, आप चाहे तो इसमें दो बच्चों को भी बैठा सकते हैं, वो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और इसका सीट भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। और ज़्यादा सामान रखने के लिए इसमें आपको लकबुल ग्लोव बॉक्स और उसके ऊपर भी आपको स्पेस मिलता है। यह दोस्तों BA6 मीटर, जो कि आपको महिंद्रा की सभी सुपर वेरिएंट में देखने को मिलता है। और आप बीच में देख सकते हैं इसका 4x स्विच और नीचे आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिलता है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट और उसके नीचे आपको जो स्पेस मिलता है आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो स्पेस है दोस्तों म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए, इसका जो लेग रूम है आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस है। इसका ट्रांसमिशन है दोस्तों 5 स्पीड, आपको इसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है। और कंपनी ने इसका जो गियर का पोजीशनिंग को थोड़ा सेंटर में किया है, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस बना देता है। सेफ्टी के लिए आपको दोनों साइड में सीट बेल्ट और यह है दोस्तों इसका हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है। इसका जो टॉप स्पीड है वो है 95 किलोमीटर पर आवर। आपको दोनों साइड में दोस्तों सन वाइजर भी दिखने को मिलता है। और बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं यह है इसका रीडिंग लाइट्स, आप इसे इजीली ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसका ओवरऑल फ्रंट व्यू को देख सकते हैं, इसका ओवरऑल फ्रंटल व्यू आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर, तो ये भी आपको डुअल टोन कलर में दिखने को मिलता है। इसका ड्राइवर सीट भी डुअल टोन कलर में है और आप इसका सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नी के लिए इसमें हेडरेस्ट भी दोस्तों हमें दिखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें, महिंद्रा सुपरब वैन LX में मैनुअल स्टेयरिंग, BX में पावर स्टेयरिंग और ZX में पावर स्टेयरिंग के साथ AC मिलता है। और बीच में आप महिंद्रा का लोगो को भी देख सकते हैं। महिंद्रा सुपरब वैन में मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि आपको इसमें इको मोड और पावर मोड का स्विच नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है फ्यूल गज, बीच में आपको देखने को मिलता है इसका स्पीडोमीटर, राइट साइड में RPM मीटर, उसके साथ आपको इसमें ट्रिम मीटर, उसके साथ महिंद्रा का लोगो और बीच में एक छोटा सा डिजिटल मीटर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। महिंद्रा सुपरब वैन में दिया गया है एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे हम ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये था दोस्तों महिंद्रा सुपरब वैन का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।